अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स इन डिटेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. अब तक हमने ये समझा कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो फिनोमिना बेसिकली क्यों होता है और कैसे होता है. अब हम इस फिनोमिना को डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर में एनालाइज करेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर जो भी कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उनमें हम ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कैसे ऑब्जर्व करते हैं. सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर क्या होता है. सो अ स्फेरिकल मिरर कैन बी थॉट एज द पोर्शन ऑफ स्फीयर दैट कैन बी स्लाइस्ड अवे. स्फेरिकल मिरर आपका, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया लाइक दिस. इस सर्कल का अ पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कट दिस सर्कल फ्रॉम हियर. अगर हम इस सर्कल को इस पोर्शन में से यहां इतना कट कर देंगे देन द पोर्शन विच इज मूव अवे, और आप कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ द स्फीयर विच इज स्लाइस्ड अवे, जो पोर्शन हमने काट दिया. अगर हम इस सर्कल को यहां से काट देंगे देन वी विल गेट अ सरफेस लाइक दिस. सो दिस बल्जिंग सरफेस वी नोन टू बी एज अ स्फेरिकल. दिस इज अ स्फेरिकल. हम इस स्फेरिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज स्फेरिकल इन शेप. सो स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स विच आर स्लाइस्ड अवे इन द शेप ऑफ स्फीयर. ऐसे मिरर जिनको हम स्फीयर की शेप में काटते हैं या डिवाइड करते हैं, ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स. अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दीज स्फेरिकल मिरर्स ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप. एक होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर और दूसरे होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर. सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्फेरिकल मिरर्स को हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स की कैटेगरी में क्यों डिवाइड करते हैं, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका यूज क्या है. तो जो यूज है वो वी विल एनालाइज लेटर ऑन कि इसका यूज क्या है. बट जो हमने दो कैटेगरीज में इन स्फेरिकल मिरर्स को डिवाइड करा तो इन दोनों ही मिरर्स के टाइप में क्या डिफरेंस है, लेट एनालाइज दैट फर्स्ट. ओके, सो कॉनकेव मिरर्स आर दोज मिरर्स, ऐसे मिरर्स होते हैं इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और या फिर आप कह सकते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू द बेंट इन सरफेस. ऐसे मिरर्स जो कि स्फेरिकल शेप में हो और उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम देख सकें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंट इन सरफेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे टाइप ऑफ मिरर्स को वी विल कॉल अ कॉनकेव मिरर, कॉल एज कॉनकेव मिरर. सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर आर दोज मिरर्स, ऐसे मिरर्स इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टुक प्लेस ड्यू टू द बल्जिंग आउट सरफेस.
ऐसे मिरर्स जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना हम देखते हैं, ऐसे कैसे मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्जिंग आउट सरफेस, बल्जिंग आउट सरफेस। अब हमने ये तो समझ लिया यहां पे कि कॉनकेव मिरर्स आर बेसिकली बेंट इन सरफेस और कॉन्वेक्स मिरर्स इज बल्जिंग आउट इन सरफेस। सो इन दोनों को हम यहां डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि कैसे। सो दीज आर द डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमारे कॉनकेव मिरर बेसिकली कुछ इस शेप का होता है, बेंट इन, दिस इज द बेंट इन सरफेस। और जो कॉन्वेक्स होता है दैट इज अ बल्जिंग आउट सरफेस। ओके, सो अगर आप यहां पर एग्जैक्ट इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को देखो ध्यान से, सो अगर आप ऑब्जर्व करो तो दिस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वी विल गेट अ रियल फोकस। से हमारा मतलब क्या है, दैट जो भी लाइट रे आ रही है या जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके हमारे कॉनकेव मिरर के बल्जिंग इन सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, वो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के बाद एक पॉइंट पर मीट कर रही है इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। और दिस इज द प्लेस वेयर द इमेज लाइंस और द बीम ऑफ लाइट इज एक्चुअली मीटिंग, सो वी कॉल इट एज अ रियल फोकस। हम इसको रियल फोकस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहां पे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट कर रही है। बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को यहां पे ध्यान से देखें, सो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारी आकर बल्जिंग आउट सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक कर रही है, वो आफ्टर गेटिंग इन टच विद दिस कॉन्वेक्स मिरर वो मूव अवे कर रही है मिरर के सरफेस से, वो मूव टूवर्ड्स नहीं कर रही, वो कन्वर्ज नहीं हो रही, इट इज बेसिकली डाइवर्ज कर रही है, इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। सो सारी जितनी भी रेज जो भी बल्जिंग आउट सरफेस को यहां पर स्ट्राइक करेंगी वो सारी डाइवर्ज करेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर सारी रेज हमारी अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा जहां पर वो मीट करे। सो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है, बट उसमें वी विल इमेजिन कि जो लाइट रेज है दैट इज अपियरिंग टू मीट बिहाइंड द मिरर, वो एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है, बट वी एनालाइज इट दैट वो मीट हो रही है समवॉट बिहाइंड द मिरर। दैट्स व्हाई इसमें जो ये फोकस हम यहां पे हमें मिलता है, द फोकस विच वी गेट ओवर हेयर उसको हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस। और अगर आप ध्यान से देखें दोनों ही केसेस में, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का हो या कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव का हो या कॉन्वेक्स का हो, उसमें जो बीम ऑफ लाइट मिडल पोर्शन ऑफ द मिरर में स्ट्राइक करेगी, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर स्ट्राइक करेगी, दैट विल मूव और यू कैन से रिट्रेस इट्स पाथ बैक, ना तो वो डाइवर्ज होगी ना तो वो कन्वर्ज होगी। अगर हम कॉन्वेक्स कॉनकेव का केस देखें तो उसमें भी ना तो ये रे जो मिडल रे है ना तो वो डाइवर्ज हो रही है ना कन्वर्ज हो रही है, और कॉन्वेक्स के केस में भी ना तो ये मिडल रे हमारी डाइवर्ज हो रही है ना कन्वर्ज हो रही है, इट इज बेसिकली रिट्रेसिंग इट्स पाथ बैक। और जो मिडल रे जो पास करती है, जिसको हम इमेजिनरी लाइन को हम इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस कि जो मिडल ऑफ द मिरर के थ्रू पास कर रही है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, वी कॉल इट एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब लेट्स सी कि ये जो डिफरेंस क्या है बेसिकली हमारे कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। सो लेट्स एनालाइज द डिफरेंस।
सो कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर. हमारा कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है नेचर में. क्यों? बिकॉज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मिरर कन्वर्ज टू मीट एट अ पॉइंट. कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग इन नेचर होता है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कॉनकेव एंड अ कॉनवेक्स मिरर. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर इस कॉनकेव मिरर के सरफेस को स्ट्राइक कर रही है वो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो कन्वर्ज हो रही है ड्यू टू द बेंट इन सरफेस ऑफ दिस मिरर. और इस कन्वर्जन की वजह से जितनी भी बीम ऑफ लाइट है वो सारी कन्वर्ज हो रही है एट अ पॉइंट जिसको हम बोलते हैं रियल फोकस. बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यहां पर अगर हम देखें देन वी कैन सी दैट कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर. As the parallel beam of light appears to diverge after getting in contact with the surface of the mirror. So जो हमारा convex mirror होता है उसमें basically जो भी हमारी parallel beam of light आकर उसके bulging out surface को strike करती है that will move away or diverge out, okay, and you can say after getting in touch with this reflecting surface of the mirror, it will diverge outwards and appears to meet behind the mirror, somewhat or somewhere behind the mirror, जिसकी वजह से हमें मिलता है virtual focus. So this is the main difference between a concave and a convex mirror. Okay? So अब हम बात करेंगे rules to obtain image on spherical mirrors. कि स्पेरिकल मिरर्स पे बेसिकली चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉनवेक्स मिरर हो हमको क्या क्या रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए या किस रूल्स की वजह से इमेज फॉर्मेशन उनमें होता है एग्जैक्टली. सो यहां पर मैंने चार स्पेरिक कॉनकेव मिरर्स ड्रॉ करे हैं जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट रेस को पास करवाया है इन ऑर्डर टू नो कि अगर हम लाइट रे पास करेंगे उस पॉइंट पे देन हाउ इट विल बिहेव. So, पहले अगर हम देखें इफ यू पास अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दिस मिडल एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इस चैप्टर में हम इस एक्सिस को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से डिनोट करेंगे एंड सी इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. C
center of curvature and F is your focus. So इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिए. बीच वाली जो हमारी मिडल इमेजिनरी लाइन है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर और F होगा हमारा फोकस. सो जब भी हम कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करते हैं देन इट विल ऑलवेज कन्वर्ज. वो हमेशा कन्वर्ज होगी और पास करेगी फोकस से इन द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके सो दैट्स अ फर्स्ट रूल विच यू नीड टू रिमेंबर. सिमिलरली दिस इज अ सेकेंड वन. अगर आप प्रिंसिपल फोकस के बिलो भी कोई पैरेलल बीम को लाके स्ट्राइक करोगे देन इट विल स्ट्राइक द सरफेस एंड कन्वर्ज एंड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. इस फोकस को कभी कभी हम प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं बट यू कैन कॉल इट एज फोकस ऑल्सो. इसको हम फोकस भी बोल सकते हैं. सो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो भी कोई पैरेलल बीम लाके कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो वो हमेशा स्ट्राइक करने के बाद कन्वर्ज होकर फोकस से पास करेगी हमेशा. देन वी कम टू रूल नंबर 3 जो कहता है दैट अगर हम किसी भी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे देन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ बैक. अगर आप किसी भी लाइट रे को कॉनकेव मिरर के फ्रंट में जो प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे देन जिस पॉइंट से आप उसे पास करोगे और जिस पॉइंट पे जाके वो लाइट रे स्ट्राइक करेगी कॉनकेव मिरर को वो उसी पॉइंट से वापस आ जाएगी विदाउट गेटिंग डाइवर्ज विदाउट गेटिंग कन्वर्ज. क्यों? बिकॉज व्हेन अगर जब भी आप ऐसा करोगे देन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ बैक. और जो फोर्थ रूल है वो कहता है दैट व्हेनेवर अ लाइट रे कोई भी लाइट रे एकदम मिडल में आकर स्ट्राइक करेगी कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देन इट विल गिव अ रिफ्लेक्टेड रे लाइक दिस. दिस इज योर इंसिडेंट रे. ये हमारी होती है इंसिडेंट रे. व्हेनेवर अ इंसिडेंट रे मीट एट द सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर जैसे ही वो मिडल ऑफ कॉनकेव मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी देन इट विल ऑलवेज गिव अ रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्शन उसकी हम देख पाएंगे. इस केस में द लाइट रे विल नॉट पास एज फोकस. वो लाइट रे हमारी फोकस से पास नहीं होगी और कहीं कन्वर्ज नहीं होगी. इट विल गो लाइक दिस स्ट्राइक इट एंड मूव लाइक दिस. यहां से आएगी तो स्ट्राइक करने के बाद ऐसे मूव कर जाएगी. सो विल गेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. ये रूल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे तब हमको वहां पर ये रूल्स याद रखने काफी जरूरी है. बिकॉज इमेज फॉर्मेशन में हमको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अपने ऑब्जेक्ट को रखकर एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर हम अपना ऑब्जेक्ट यहां प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज बेसिकली कहां अपीयर होगी. सो दैट्स व्हाई दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट. अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर. सो ये हमारे 4 रूल्स हैं लाइक कॉनकेव मिरर. दिस इज योर रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 कहता है जब भी कोई बीम ऑफ लाइट बल्जिंग आउट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कॉन्वेक्स मिरर के स्ट्राइक करेगी वो हमेशा डाइवर्ज होगी आउटवर्ड्स. और अगर जो डाइवर्ज रे जो कि डाइवर्ज हुई है आउटवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका पाथ हम रिट्रेस करेंगे बैकवर्ड तो वो हमेशा जाकर प्रिंसिपल एक्सिस की फोकस पर मीट करेगा एंड जो इमेज यहां फॉर्म होगी वो होगी वर्चुअल इमेज. ओके सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल कहता है कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक करेगी देन आफ्टर गेटिंग स्ट्राइक
वो रिफ्लेक्ट होगी आउटवर्ड्स, और जब हम इस आउटवर्ड रे का पाथ रिट्रेस करेंगे बैकवर्ड तो वो हमेशा मीट होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस पे। दैट्स द सेकंड रूल। थर्ड रूल हमारा कहता है दैट अगर हमारी कोई बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के एक ऐसे सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है जिसको जिसका पाथ अगर हम बैकवर्ड रिट्रेस करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके वो स्ट्राइक करे, ऐसी बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज होने के बजाय अपने पाथ को सेम इन द सेम डायरेक्शन बैकवर्ड रिट्रेस करेगी, वो डाइवर्ज नहीं होगी, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक। ये है हमारा थर्ड रूल। एंड जो हमारा फोर्थ रूल है वो कहता है दैट जब भी हमारी बीम ऑफ लाइट डायरेक्ट आकर सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पर स्ट्राइक करेगी, सेंटर का मतलब क्या है हमारा, जहां से हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है, तो वो लाइट रे हमेशा स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्स होने के बजाय रिफ्लेक्ट होकर हमेशा इस दिस काइंड ऑफ रे हमें प्रोवाइड करेगी। सो इस केस में हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, वी हैव अ रिफ्लेक्टेड रे, और जो एंगल दे विल फॉर्म विद ईच अदर वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये चार रूल्स हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स मिरर। सो इन चार रूल्स को यूज करके वी विल डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे होती है जब हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर।